दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि क्यों आपको पढ़ते समय ही नींद आती है? आजकल तो नींद लाने का तरीका बन चुका है कि हम कुछ पढ़ाई करें, हम कुछ रेटिंग लें। ऐसा हमेशा से नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या सच में नींद आने के लिए हमें रेटिंग की जरूरत होती है। यारो, आपने काफी बार अपनी लाइफ में ये फील करा होगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक उसी समय, ठीक उसी पल आपको नींद आना स्टार्ट होता है। और तब आप उठ के टहलने चले जाते हो, कोई और अलग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हो ताकि आपका नींद चला जाए, और फाइनली आप उस एक्टिविटी में ही लग के रह जाते हो। और जिस काम के लिए आपने वो एक्टिविटी स्टार्ट करी थी, वो दूर रह जाती है। और इस तरह से आप अपने टारगेट्स को, चाहे वो आपकी स्टडी हो या फिर आपके वर्क, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा रीजन क्या है और इसको भगाने का आसान, और जो आप एक्चुअल अपने लाइफ में उतार सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट किए, वो कौन कौन से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। पढ़ाई करते समय नींद आती है। इस सेंटेंस में दो वर्ड यूज हुआ है, एक पढ़ाई और दूसरा नींद। मैं पहले नींद पे आता हूँ। नींद क्या है? क्योंकि नींद ब्रेन को दिया हुआ ऐसा सिग्नल है जिसमें ब्रेन अपने पूरे बॉडी से ये सिग्नल पाता है कि देखो बच्चे, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, मैंने चढ़ा रखी है, मुझे कुछ देर सोने दो, मैं नॉर्मल हो जाऊँ। बॉडी ब्रेन को ये सिग्नल देती है। इसमें दो वर्ड मैंने यूज करा, पहला मैंने काफी काम कर लिया है, दूसरा मैंने चढ़ा रखी है। अब इस दो चीजों को हम बारीकी से जाने, ब्रेन को ये सिग्नल कब मिलेगा कि मैंने बहुत काम करा है? फर्स्ट कि आप थके हुए हो, आपने 10 घंटे काम करा है और फिर से आपको काम स्टार्ट करनी है, बट बहुत ही वैलिड रीजन है कि यदि आपने काफी काम करा है, अपने बॉडी से काफी काम लिया है, तो उसको रेस्ट चाहिए और उसको नींद चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ इस स्थिति में आप नींद लें, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो हमारे एफिशिएंसी को अप ले जाना है, मैक्स टू मैक्स। तो यदि आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपने 10 hours वर्क करा है और आपके शरीर को नींद चाहिए, तो आप पक्का नींद लें। हाँ, आप अलार्म लगा के 2 से 3 घंटे की नींद लें और फिर आप अपने आप को रिचार्ज पाके पढ़ाई में या फिर अपने किसी अदर एक्टिविटी में लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है कि हमने चढ़ा रखी है, ब्रेन को लगता है कि भाई अभी इनफ एनर्जी मिल चुका है हमें, अभी हमें कुछ देर आराम करना है, ये वो तरीका है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और ठीक पढ़ने के लिए बैठते हैं, और उस समय हमें लगता है कि हमें तो सोना चाहिए, हमारे बॉडी को तो नींद की जरूरत है, और हम रिलैक्सेशन के मूड में चले जाते हैं। तो एक तरीका तो हम तुरंत ही सीख रहे हैं कि कभी भी बॉडी को इन दो तरीकों में ना लाएं, इस दो कैटेगरी में तो बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि इस दो कैटेगरी में कोई भी नहीं रोक सकता आपको नींद। और यदि रोकोगे अपने एफिशिएंसी को, गिरा से आपकी बॉडी को पेन नहीं होता है। यदि आपने लंबे समय तक काम करा है तो आप सो जाइए। यदि आप इस तरह से नहीं काम करना चाहते हो तो आप अपने काम को छोटे छोटे पैक्स में बांटो और एक नैप लो, 10 मिनट की 15 मिनट की स्लीप ले लिया करो, ताकि आप हमेशा एफिशिएंट बने रहो। सिमिलरली यदि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी पा रहे हो एकाएक से, इसका क्या मतलब है कि आप खाना बहुत ज़्यादा मत खाओ एकाएक से, आपका खाना छोटा छोटा कटोरा में खाया करो, छोटे से कटोरे में खाओ, और अब 3 बार खाने के बजाय 2 बार खाने के बजाय 5 बार खाइए, बट थोड़ा थोड़ा खाइए, आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे। और आप ये पाइए कि आप 7-8 बजे तक ही रात तक खाना है, यदि आप दिन में पढ़ते हो तो, और आप पूरे रात सोना है, पूरे रात खाना नहीं है। बॉडी को 12 आवर्स ईटिंग आप लगा सकते हो, बट 12 आवर्स ऑफ एम्प्टी स्टमक चाहिए, जहाँ आपको कुछ भी खाना नहीं, ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कौन कौन से तरीके हैं, हमने दो देखा, ये क्या तरीका था, ये दो तरीका, बट इसके अलावा बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। पहले तो हम इस वीडियो को ये देखेंगे नींद क्या है, ये हमने जान लिया। हम ये जानेंगे कौन कौन से तरीकों से नींद आती है, किसके तरीकों से भगा सकते हैं, और फाइनली हम कंट्रोल करेंगे कि आप कैसे अपने लाइफ में इसको ला सकते हैं। चलिए सर, नींद आने के पहले तरीके, एक्स्ट्रा एनर्जी पाना, दूसरा एक्स्ट्रा वर्क कर लेना, बॉडी थक चुकी है, तीसरा काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। एक होता है डिस्ट्रैक्शन इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, हम इस बारीकी बारीकी से बात करें। चौथा जो एक नींद आने का तरीका हो सकता है वो होता है मल्टीपल काम को एक साथ। पांचवा हो सकता है, पांचवा जो तरीका है वो तरीका है आपका पोस्चर। तो हम हर एक रीजन पे बात करेंगे। पहला एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो एकाएक से, तो उससे आपको आती है। दूसरा जो हमने जाना कि आप अपने शरीर से काफी ज्यादा काम ले रहे हो तो थक जाता आपका शरीर। तीसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन, आप एक भीड़ भाड़ इलाके में पढ़ाई कर रहे हो, हल्ला काफी शोर शराबे में पढ़ाई कर रहे हो, वहां आप नहीं कर पाओगे। चौथा कि आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, आप किसी चीज़ से परेशान हो तब नहीं कर पाओगे पढ़ाई।
पांचवा क्वेश्चन, पहला था कि एक्स्ट्रा एनर्जी ना देना अपने बॉडी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने डाइट में कार्ब्स को हटाओ। कार्ब्स कहाँ होता है? कार्ब्स होता है चावल में, रोटी में, मीठी चीजों में, जो भी व्हाइट ग्रेन्स आपको दिखती है मैक्सिमम चीजों में कार्ब्स होता है। तो क्या करना है आपको, इसको घटाना है और अदर चीजों को बढ़ाना है। प्रोटीन बढ़ाओ, फाइबर बढ़ाओ और विटामिन्स बढ़ाओ। बहुत सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट आप और कुछ नहीं तो आप कार्ब्स को बस घटाइए। भूख लगती है तो आप क्या करो, कार्ब्स को छोटे छोटे टुकड़ों में। कार्ब्स का काम क्या है, एनर्जी देना अपने शरीर को। और जब आप चावल खाते हो दोपहर में, एकाएक से काफी ज्यादा चावल खाते हो, तो एकाएक से शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, एकदम बूस्ट अप। और उस स्थिति में हमारे ब्रेन को सिग्नल जाती है कि अरे यार काफी एनर्जी मिल गई हुई है, लेट्स यूज दोज एनर्जी। जो भी हमारे कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, उसमें हम उस एनर्जी को यूज करें, और इसके लिए हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। इसलिए दोपहर का नींद 1-2 घंटे का ही होता है, ताकि उस सारे एनर्जी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे बॉडी में। और इसमें शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और ऑलरेडी काफी ज्यादा इंटरनल प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे आपने कभी अपने फोन में अपडेट करा होगा, तो आपने ये पाया होगा कि आपका फोन काफी गर्म हो जाता है अंदर से, और यदि आप उसके CPU यूजेज परसेंटेज को देखोगे तो ऑलरेडी 100% इंटरनल चीजें चल रही होती हैं। इसी तरह से जब एनर्जी आप देते हो अंदर से, काफी एनर्जी देते हो, तो इंटरनल प्रोसेस इतना चलता है कि आपका जो एक्सटर्नल वर्क है करने का मन नहीं करता, और सिग्नल देता है ब्रेन कि स्लीप पे चले जाओ। ये इंटरनल प्रोसेस होने तब जाकर ये स्टार्ट। आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको अपने खाने में कभी भी इतना ज्यादा खाना नहीं खाना है। इस दिनचर्या को आप छोड़ दें, आप कटोरा लें, उसमें खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे आपको 2-3 घंटे में भूख लगेगी, वो एक ब्रेक टाइम भी हो जाएगा, और पानी और खाने के बीच में 10-15 मिनट का गैप होना चाहिए। और पानी भी एकाएक से पूरा नहीं पीना चाहिए, है ना, आप 100-100 ml 150 ml करके पानी पिया करो, ठीक है। पहला तो तरीका ये होगा, कार्ब्स घटाओ, जो आपके 3 बार खाते हो 2 बार खाते हो उसको 5 बार तक ले जाओ। एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट आप हैवी एक्सरसाइज ना करें, आप एक्सरसाइज उतना ही करें ताकि आपका बॉडी फ्री रहे। जो था पोस्चर, जब भी आप किसी जगह पे बैठे हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रेट मैच करते हैं, क्योंकि सर हम स्ट्रेट काफी देर नहीं रह पाते। उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, आप अपने पीछे दीवार में सट के बैठ सकता हूँ, और उसके बाद बढ़ाई कर सकता हूँ। यदि ये नहीं हो रहा, आप एक चेयर खरीदो जिसका सेटिंग पोजिशन स्ट्रेट हो, और उस पर एक सपोर्ट होना चाहिए जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करे। किसी भी स्थिति में आपका पोस्चर ये नहीं होना, उस स्थिति में शायद आप आधे घंटे पढ़ पाओगे, लेकिन उस आधे घंटे में आपको नींद नहीं आए, ये मेरा वादा है। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर आओ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, फिर से स्ट्रेट पोजीशन करो, उस समय आपको नींद नहीं आएगी जब तक आपका बॉडी आपका जो एनर्जी है सिर्फ ब्रेन पे नहीं कंसंट्रेट हो रहा है, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब। पांचवा है नींद, कितनी नींद चाहिए, कितनी नींद अच्छी होती है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे? नहीं, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया 6 से 8 घंटे की नींद एक यंग पर्सन में काफी अच्छी होती है। आपको जो अपना नींद रखना है वो 6 से 8 घंटे के बीच में ही रखना है। यदि आप 10 घंटे अपनी नींद कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, तो उसको कम करो। यदि आप 6-7 घंटे पे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए, और मुझे एक्चुअल में अभी अपनी नींद को कट करना है, तो ऐसा ना करें। ये सबसे वर्स्ट थिंग हो सकता है, अपने एफिशिएंसी को कम करना, काम करने की क्षमता को कम करना, ठीक है। और यदि आप अभी स्लीप डिप्राइव हो, 4-3 घंटे सो पाते हो, नींद खुल जाती है बार बार, आप अपने काम को छोड़ के भी अपनी स्लीप पे ध्यान दो, अपने स्लीप के आवर्स को कम से कम 8-7 घंटे करो, उसके बाद वो अपने काम को। अभी शॉर्ट टर्म में लगेगा कि मैंने 2-3 दिन बर्बाद किया, बट ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में आपको ये नींद ही है जो आपको एफिशिएंट बनाता है। बात करूंगा डिस्ट्रैक्शंस, मैंने बताया था 2 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक आउटसाइडर डिस्ट्रैक्शन, दूसरा इंटरनल। आउटसाइडर डिस्ट्रैक्शन को इजीली हटाया जा सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि जब आप पढ़ते हो और एकाएक से आप किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो गए, किसी और चीज़ पे बात होने लगी, कोई और चीज़ सोचने लगी, तो क्या था जिसने कॉल किया? आप पाओगे कि आपके सामने बैठा हुआ एक फ्रेंड है जिसने कुछ बोला और आप कहीं और चले गए। आपके सामने रखा हुआ कोई और सब्जेक्ट का बुक है जहाँ आप चले गए, आपने आपको पढ़ना था फिजिक्स और आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया बायोलॉजी, आपको पढ़ना था इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया पॉलिटी, राइट? तो ये रीज़न हो सकता है। तो जब भी आप बैठें, अपने सामने में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डालें जिन चीज़ों की ज़रूरत अभी आपको पढ़ने, कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को ना। दूसरा कॉज हो सकता है कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को ना लाने दें। दूसरा कॉज हो सकता है साउंड, जहाँ पर रहे हो वहाँ काफ़ी साउंड हो, आपका घर शायद किसी सड़क के किनारे हो, या फिर आप एक लाइब्रेरी में बैठ रहे हो जहाँ काफ़ी शोरगुल हो रहा हो। इस स्थिति में आजकल के बच्चे और आजकल डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप म्यूजिक सुनें,
अपने ईयर में म्यूजिक ड्रम लगाओ, म्यूजिक स्पीकर्स लगाओ और एक लोफाई म्यूजिक सुनो। लोफाई म्यूजिक काफ़ी रिकमेंडेड है, इसमें थोड़ी सी बीट होती है, रेन साउंड होता है, थोड़ी सी मोटिवेशनल साउंड्स होते हैं और चौथा लोफाई होता है। इसमें वोकल्स नहीं होते क्योंकि वोकल्स आपको फिर से डायरेक्ट कर देंगे कि किस फिल्म का गाना है, किसने गाया है, काफ़ी अच्छा सुर लगाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें। बट लोफाई एक स्ट्रेट म्यूजिक होती है जिसमें आपको 4 मिनट में सेट हो जाता है आपका माइंड और वो आपको पॉज नहीं करता कुछ। और इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, हमारी कोई भी आवाज़ दिमाग में नहीं आएगी, आपके ईयर में नहीं जाएगी और फाइनली आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे और आप पाओगे कि जो आपका स्ट्रेच था पढ़ने का वो 10 मिनट से 20 मिनट हो चुका है। और जब आप खोलोगे तो आप पाओगे कि आप जिस एनर्जी में लास्ट टाइम थे वो अभी भी एनर्जी से बनी हुई है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी लेस हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे सर म्यूजिक सुन के नहीं पढ़ सकते, अच्छी बात है। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, अपने कान में ईयरफोन लगा लो, ठीक है, जैसे पहले लोग रूई डालते थे, आज लोग ईयरफोन आ गया है, ईयरफोन में थोड़ा रूई डाल के आप ईयरफोन लगा लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इंटरनल आवाज़ें आपके अंदर आ रही हैं वो 70% से डाउन जाए, आप ये कर सकते। और इससे ये भी नहीं फर्क पड़ गया कि आप 3 लोगों के साथ रह के पढ़ रहे हो या फिर अकेले रूम में रह रहे हो या फिर आप फैमिली वालों के साथ रहे, कोई मैटर नहीं करता किस टाइम पे पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं। लोग रात में पढ़ना होता है, दिन में पढ़ना होता है, वो कम्बिनेशन में पढ़ते दिन रात सब करते, तो वो एक बंद कमरे में पढ़ेंगे, यहाँ आर्टिफिशियल लाइटिंग हो, एक बल्ब का लाइट हो, क्योंकि इस स्थिति में आपको पता नहीं चलेगा कि दिन है या रात है। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने ये बताया है कि जो जब सूर्य की रोशनी चली जाती है तो उनको नींद आना स्टार्ट होता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं करता, तो आप उनसे थोड़ा बचें। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कम करना इजीली बात आते हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के लिए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अलग थॉट में चले जाते हो, तो जब आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कम करोगे तो आप पाओगे ऑलरेडी आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो रहा है। और दूसरा चीज़, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक पोस्चर में आओ ओम ओम ऐसा करना जरूरी नहीं, यदि आप ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यदि क्योंकि सभी धर्म के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि बार बार एक ही पोजिशन, आपको ध्यान लगाना था इस पॉइंट पर बट आपका ध्यान चला गया यहाँ, तो अपने आप को कहना मेरे को इस पॉइंट से हट करके फिर से यहाँ पे आना, एक कहना हुआ। मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ाई पे स्टार्ट करा और आपका तुरंत दिमाग चला गया क्रिकेट में, आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट में जब आपको रियलाइज होगा अरे मेरे को पढ़ना था, तुरंत अपने आप को वहाँ से कहें कि पढ़ाई पे आए और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अरे 2 लाइन पढ़ा, 10 लाइन पढ़ा, ये जितनी बार आप कर रहे हो ये मेडिटेशन ही है। या तो डायरेक्ट अपने पढ़ाई पे रह के आप मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो इस टूल को डेवलप भी कर सकते हो। कैसे, शांत रहो और अपने ब्रेन से आप सांस ले रहे हो, इसको इस पर ध्यान, सांस ले रहे हो तो हवा कैसे जा रही है, कहाँ तक पहुँच रही है, आप छोड़ रहे हो तो किस स्पीड से जा रही है, वो सारा कुछ फील होता है, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते तो आप बस शांत हो जाओ और आइडेंटिफाई करो कि सराउंडिंग में कौन कौन सी आवाज़ें हैं, चिड़ियाँ हैं, गाड़ी है, क्या क्या चीज़ें, कार की आवाज़ आ रही है या कोई वाइब्रेशन है, अर्थ की आवाज़ आ रही है, आवाज़ें आपको मिलेंगी। और आप आओ उसी स्थिति में भी आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे, आप आवाज़ सुनने जा रहे थे बट आपका कहीं और दिमाग चल गया, लेकिन फिर आपने आपको मोर की इस आवाज़ पर ध्यान लगाना, ये सब प्रैक्टिस मिल के आपको एक्चुअल में अपनी पढ़ाई पे फोकस दिलाते हैं। और ये सबके लाइफ में होता है और सभी लोग प्रैक्टिस करते हो और यहाँ तक पहुँचते। कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट परफेक्ट पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में ऐसा ना हुआ हो, उसने ध्यान से पढ़ना स्टार्ट किया और 2 घंटे उसके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बाकी अगला, डोंट डाउट योरसेल्फ। आप किसी फ्रेंड को देखते हो जो आपसे थोड़ा बेहतर है और आपको लगता है यार हम दोनों जब इस एग्जाम में बैठेंगे तो वो तो निकल जाएगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, उसका तो बेहतर ही आने वाला है, ऐसा नहीं होता। यदि कोई सब्जेक्ट वो पहले से जानता है और आपने नहीं जाना है तो बस इतना ही फर्क पड़ेगा, आपकी जर्नी उसकी जर्नी से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यदि वो 4 घंटे पढ़ता है आपको थोड़ा 4.5 घंटा पढ़ना होगा ताकि उस आधे घंटे में आप उसके लेवल और या उसके ऊपर लेवल पर। फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पे, फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप अपने जर्नी को एक्सेप्ट करें। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और आपको ABCD भी नहीं आती तो आपकी जर्नी ऑफकोर्स थोड़ी लंबी होगी। और एक बंदा जिसको सब कुछ आता है बस बोलने नहीं आता, हेजिटेट करता है, उसकी जर्नी एक अलग होगी। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसको ABCD नहीं आती है वो कभी भी नहीं बोल पाएगा इंग्लिश? ये बोलना गलत है, ऐसा नहीं होता। जिसको ABCD नहीं आती है उसको पहले ABCD सीखनी होगी, ग्रामर सीखना होगा, बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा और एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन वो भी बोले इसमें सब कुछ है और हेजिटेशन है, समय लगेगा अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने। सभी लोगों की एक जर्नी होती है, अपनी जर्नी को समझो और उसको एक्सेप्ट करें, फर्क नहीं पड़ता दुनिया का। एक और दिक्कत आ रही है आजकल के बच्चों में कि वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप पाते हो कि वहाँ तो कंपटीशन बढ़ रहा है,
फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी कंपटीशन बढ़े, जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो रिक्वायर्ड मार्क्स है, वो एकाएक से e टू द पावर x में नहीं पड़ता, वो एक दो मार्क्स ही बढ़ते हैं। आपको हमेशा रिक्वायर्ड मार्क्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि कितने लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए इसमें, क्योंकि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट रिक्वायर्ड मार्क्स के हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को कैपेबल बना के। यदि 100 मार्क्स टोटल होता है किसी एग्जाम का, आप पाओगे कि 50-60 उसका कट ऑफ होता है और 80-90 पे सिलेक्शन हो जाता है। आपका ये मोटो होना चाहिए कि मेरे को 80% आना, फर्क नहीं पड़ता मेरे को 80 मार्क्स, फर्क नहीं पड़ता कि 10 लाख और जुड़ गए, 5 लाख और जुड़ गए लोग, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80 से 81-82 हो जाएगा, 100 तो नहीं हो जाता ना, 500 तो नहीं हो जाता। अब कोई भी आके यदि बोले ना कि 2 लाख और जुड़ गए हैं, पहले 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, अब 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अपन तो इस मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं ना कि यदि 80 लाना है तो मैं 90 की तैयारी करूँ, क्या मैं अभी 90 के लिए रेडी हूँ? यदि मैं 90 के लिए रेडी हूँ तो फर्क नहीं पड़ता कि 10 लाख और जुड़ गए, क्योंकि मेरा तो वो सिलेक्शन होने वाला है। कुछ डिजिटल चीज़ों का भी सहारा ले सकते हो, जैसे पोमोडोरो नाम का एक एप्लीकेशन है और बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के एप्लीकेशन है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप गूगल पे जाओ, गूगल प्ले पे जाओ या फिर ऐप स्टोर पे जाओ और वहाँ पे सर्च मारो जिसकी अच्छी रेटिंग है उसको डाउनलोड करो, उसको यूज करो। वहाँ क्या होता है कि आप सेट कर सकते हो कि मैं आधे घंटे पढ़ाई के बाद 5 मिनट कम देखूंगा और इस तरह से 5 स्ट्रेच करूंगा, या पहले सेट कर सकते हो, उस फोन को सामने डालते हो और वो चल रहा होता है और आप पढ़ रहे हो। कुछ लोगों के जीवन में ये काम करता है, कुछ लोगों के जीवन में काम नहीं करता है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, लगाओ करके देखिए, यदि आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है तो करें, वरना ना करें। मैं उसको पर्सनली सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब फोन आपके सामने होता है तो वो भी एक डिस्ट्रक्शन ही, और यदि आप ऑलरेडी सेट हो तो आपको ये सब चीज़ करने की जरूरत है। नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स जो आप बना रहे हो वो आप जिस भी स्थिति में बनाते हो अच्छी है, यदि आप डिजिटल बनाते हो फिर भी ओके है, आप नॉर्मल नोट्स बनाते हो फिर भी ओके है, यदि आप कॉपी पे बना रहे हो नोट्स तो आप बस ये कोशिश करो कि उसके पिक्चर को क्लिक करके आप डिजिटली उसको पोस्ट करो, आपका वो नोट्स क्लाउड पे स्टोर होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप ड्राइव का यूज कर सकते हो, इससे क्या होगा, पास कॉपी नहीं भी है फिर भी आप वहाँ जाकर सारे पेजेस को पढ़ सकते हो रिमाइंडर। जिन लोग जो लोग रूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे पैरा सर्वे में आज के समय लाइब्रेरी है तो वो अच्छी होती है। रूम में क्या ट्रायल एंड एरर की चीज़ें आप ज्वाइन करें, देखिए आपके लाइफ में काम कर रहा है या नहीं और फिर अपना ही नाम। चलिए दोस्तों, अब बात आती है कंक्लूड करने की। कंक्लूड करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इनमें से सारी चीज़ें आपको मानने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में सेट हो गई, जो चीज़ें अनसेट है या प्रॉब्लम कर रही हैं उन चीज़ों को आप इस वीडियो से लेकर के अपने लाइफ में डाल सकते हो। मैंने इजी तरीका बताया है जो आप कर सकते हो, मैंने वो आसमान वाले तरीके नहीं बताए जो करने में आपको एफर्ट लगेंगे काफ़ी ज़्यादा, ये सारे तरीकों पर आप ध्यान दें। ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको इन वीडियो से उन सॉल्यूशंस के बारे में पता चला होगा जिस सॉल्यूशन को आप खोज रहे थे, और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं।